अपू खाया वो पूरे पाया।
Yeah.
espera. Mando una, mando una. ¿Qué? ¿Vas a darle? ¿Qué? ¿Qué? गर्मी बड़ी है ना जी, होम डे है ना मेरी। आयो 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 आयो
नमस्कार जी, मैं सभी चंबा वासियों को अपना प्यार भरा नमस्कार करना चाहूँगा। मैं शिमला से आया हूँ। शिमला में हमें बताया था कि भाई ऐसा सूही माता का मेला लगता है यहाँ पे, तो उसी के दौरान हम यहाँ पे चंबा आए थे। और हमारे एक प्रिय मित्र हैं यहाँ पे आकाश जी ने बताया कि यहाँ पे मेला बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं अभी। और यहाँ यात्रा अच्छी लगती है। ये सूही माता जी ने यहाँ पे समाधि ली थी, तभी चंबा शहर को यहाँ पानी की आपूर्ति मिली थी, इसलिए हम यहाँ जा रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm not afraid.
बनी सब थी। ठंडा ठंडा पानी ना
उपाध्यक्ष मंदिर कमेटी मलवण। चंबा के लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि आज सुई है, चहल पहल है। जैसा कि आसन रूप ही लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने यहाँ भंडारा लगाया है और लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, आ भी रहे हैं। लेकिन मैं तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसी महान विभूति भी हमारे चंबा में हुई जिसने दूसरों की खातिर अपनी जान दे दी। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर यही चलना चाहिए कि हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए उसी का नाम जीवन है। मैं रिटायरमेंट के बाद माता की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे से जो कुछ होता है मैं करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ, साफ सफाई इधर उधर देखता रहता हूँ। लोगों को जो भी आते हैं मैं उनको समझाता हूँ, यही बात करता हूँ कि भाई प्रेरणा लेनी चाहिए, माता से प्रेरणा लेनी चाहिए जिसने अपनी जान दी है दूसरों के लिए। देखो राजमहल में क्या नहीं होता है, सुख सुविधा हर चीज़ की, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, फिर भी लोगों की खातिर उन्होंने अपनी अपना बलिदान दे दिया, इसलिए ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। चंबे में जबकि पानी नहीं जा रहा था, नहर बनाई, बड़ी कोशिश की, लेकिन नहर का पानी नहीं एक जगह जाकर जज हो जाता था। लेकिन जैसे ही रानी ने बलिदान दिया, पानी कहीं भी नहीं रुका, चला गया। कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो हमें चंबावासियों से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि देखो कुछ दूसरों के लिए भी करो, माता से ये प्रेरणा लो। जब ये सुई माता सुई आती है तो लोग याद करते हैं माता को, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, यहाँ बहादुर हो जाते हैं, आंसू आते हैं। लेकिन हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ दूसरों के लिए भी करो। अगर सभी दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि सभी जो सुख शांति से रहेंगे, समाज में सुख चैन होगा, एक दूसरे के लोग काम आएंगे और यही सोचेंगे कि माता ने क्या क्या कुर्बानी नहीं किया। अगर वो चाहती तो बड़े मज़े से राजपाठ मतलब भाग लेती रहती और सुख सुविधा का लाभ उठाती रहती, मज़े से ज़िंदगी गुजारती, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। बलिदान दे दिया चंबावासियों के लिए, इसलिए ताकि उनकी प्यास बुझ सके। आज लोग आते हैं यहाँ कितने यही सोचते हैं कि देखो रानी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, सभी की आँखों में आँसू आते हैं। तो मैं यही दोबारा पुनः यही गुजारिश करूँगा चंबावासियों की, कुछ माता के बताए हुए रास्ते पर, बताए गए रास्ता ये है कि दूसरों के लिए भी कुछ करो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। कुर्बानी एक बड़ी भारी मानता है ये, जो हमारे लिए प्रेरणा है, हमें इस रास्ते पर चढ़ना चाहिए कि कुछ दूसरों के लिए भी करो। धन्यवाद।
धान रोप पंचायत ग्राम लुथा माता श्री माता रानी मलोन। ये माता के स्वर्ग स्थल है। सुगाली माता ने रानी माता ने यहाँ पर अपने जिंदा अपने आप को दफनाया था पानी के तहत। ये सब लोगों को पता है। काफ़ी साल जब से माता की यहाँ समाधि बनी है तब से यहाँ पर पहले दिन सूर्य माता का झंडा वहाँ चढ़ता है सूर्य माता मंदिर में। फिर उसके बाद दूसरे दिन यहाँ मेला लगता है। काफ़ी दिनों से मेला लगता है यहाँ पर। लोगों से यहाँ की रौनक बढ़ती है। माता ने काफ़ी दूर आके अपना ये स्थल चुना था। हमें गर्व है कि हम इस जगह के रहने वाले हैं। 2 साल कोरोना की वजह से लोग यहाँ आ नहीं पाए, इसका आनंद नहीं ले सके, मगर आज काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं माता के दर्शन पाने के लिए। वो उत्साहित हैं और अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, अपना लुत्फ ले रहे हैं। जो कुछ भी यहाँ पर लंगर का भी कार्यक्रम रखा हुआ है, लोग थोड़ा प्रसाद लेके अपना इंजॉय कर रहे हैं। माता रानी की कृपा से यहाँ पर सब सुख चैन है। पर यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो कि अभी तक यहाँ पूर्ण नहीं हुई हैं। काफ़ी लोग आते हैं, अगर प्रशासन इस तरफ नज़र दें तो हमारे ये जो नाला चढ़ता है यहाँ के जो चेक डैम है वो सारे पानी में बह गए हैं। माता रानी के यहाँ क्रेट का या चेक डैम का प्रबंध करें ताकि जो यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं वो टिकी रहें। बरसात में काफ़ी जोर से बारिश आती है, यहाँ पर 2 नाले जुटते हैं, मगर यहाँ सड़क की वजह से पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। उस तरफ थोड़ा बहुत प्रशासन हमारी पंचायत की तरफ से या प्रशासन की तरफ से सहायता करें, वहाँ पर जो भी क्षति हुई है उसको वो डंगा वगैरह लगवा दें ताकि जो माता की धरोहर है वो टिकी रहे। क्योंकि नाले से ऊपर पानी आता है, बरसात में इतना पानी आता है कि वो हम नहीं उसका अंदाज़ा लगा सकते। उसके नीचे बिल्कुल नीचे माता की समाधि है, उसको क्षति भी पहुँच सकती है। मेरा ये अनुरोध है कि यहाँ पर चेक डैम पक्के चेक डैम सीमेंट के पहले लगे हुए थे पर वो पानी में बह गए, सीमेंटेड चेक डैम या क्रिएट वर्क का काम किया जाए। बाकी धन्यवाद। सुई माता मेला का जो आज दूसरा दिन है, आज 12 तारीख को सुई माता समाधि स्थल मलून में ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। चंबा शहर से जो शोभा यात्रा निकली है पैदल माता सुई माता मंदिर सुराड़ा से लेकर गांव भलोठा मलून नामक स्थान पर पहुंची है और वहां पर चंबा शहर मुख्यालय से सुई माता मंदिर सुराड़ा से लेकर मलूना तक चंबा शहर जो शोभा यात्रा निकली उसमें गदने भी नृत्य करते यहाँ तक पहुँची है। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा यहाँ तक पहुँची है और स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर लंगर का प्रावधान भी किया गया है। और कोरोना काल के चलते बंदिशों के कारण काफ़ी लगभग ढाई तीन वर्षों से ये मेला यहाँ पर नहीं हो पाया था। मात्र फॉर्मेलिटीज के तौर पर पूजा कुछ ही चुनिंदा जो VIP लोग लाकर ही यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी और उसके बाद आज 3 साल के बाद जो लोगों का हजूम जो इतना बड़ा है, लोगों के अंदर इतना उत्साह है मेले के अंदर देखने को मिल रहा है, उसके कारण बहुत ही मन में बहुत सी खुशी हो रही है। और मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस माता के समाधि स्थल को के सौंदर्यकरण के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें, क्योंकि ये जिला चंबा शहर की भावनाओं धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ केंद्र है। यहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व हम चंबा शहर में पानी की कमी के खलते जो चंबा की रानी माता उन्होंने अपना बलिदान दिया था और जीते जी अपने आप को यहाँ पर चिनवा दिया था और उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पर ये मेला मनाया जाता है। मैं इस उपलक्ष्य पर सभी चंबावासियों को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद।
हाँ तो मेरा प्लान फिर वो डीआरओ का चार्ज है ना आजकल Oh,
तरह से आया हूँ। और जैसे आप बता रहे हैं, जो भी सहयोग हमारी तरफ से, सपोर्ट हमारी तरफ से, यहाँ पे पंचायत लेवल का जो एक आयोजन है, यहाँ पे नाम भी रखी है बड़ा अच्छा यहाँ पे, और एक सफल आयोजन इसको बोलूँगा मैं, तो उस चीज़ पर मेरी बहुत बहुत बधाई यहाँ के ग्राम पंचायत लुडू की टीम को, युवाओं को, युवक मंडल को और सभी महिला मंडल को। और जैसा कि आपने बताया, कोरोना काल के बाद ये शुरुआती मेलों में से ही एक है, तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि एक जो है लोगों के सभी के मान्यताओं के उसके लिए ये जो है मेला का आयोजन।